मैंने फर्स्ट टाइम इडली खाई थी व्हेन आई वाज इन सिक्स क्लास. यू नो, नॉर्थ इंडिया से होने की वजह से हमारे घर पे कभी इडली ही नहीं बनी थी. बट मेरे चाचू की पोस्टिंग जब मद्रास हुई, जो कि साउथ इंडिया में है, एंड चाची जब घर आए, उन्होंने बनाई इडली. एंड वाओ, आई जस्ट फेल इन लव विद इट. इतनी सॉफ्ट और माउथ में मेल्ट होने वाली. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई वर्जन ऑफ सूजी की इडली बट इन सेजवान सॉस. ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है. डू ट्राई द रेसिपी एंड आई नो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. इसके लिए हम एक बोल में लेंगे 1.5 कप सूजी, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम डालेंगे नमक और काले मिर्च. इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे. अब एक इडली बर्तन में हम पानी डालेंगे और उसको हम बॉयल कर लेंगे. और जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है, हम तब तक इडली बर्तन के मोल्ड्स को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो इडली हम बना रहे हैं वो इसके साथ स्टिक ना हो. पंद्रह मिनट के बाद हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है. अब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ इनो. अब इडली मोल्ड में हम ये बैटर डाल देंगे. पानी बॉयल हो रहा है, अब हम इडली मोल्ड को इडली मेकर में डाल देंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टूथपिक बिल्कुल नीटली बाहर ना जाए. टूथपिक बिल्कुल नीटली बाहर आ रही है, इट मीन्स हमारी इडली बिल्कुल रेडी है. इसको थोड़ी देर तक आप ठंडा होने के लिए रख दें. जब तक हमारी इडली ठंडी हो रही है, तब तक हम बना लेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट. इडली बिल्कुल ठंडी है, इसको बाहर निकालेंगे हम इडली मोल्ड से. हम सेजवान सॉस इडली बना रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए होगा सेजवान सॉस. और जो हम इसका टमाटो केचप लेंगे, वो हम लेंगे 1/4 ऑफ द सेजवान सॉस. जितना भी आपको सॉस लेना, उसका 1/4 हमने टमाटो केचप लेना है. अब एक पैन में आप ऑयल गरम कर लेंगे. जब ऑयल गरम हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट. इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दें और जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑफ पानी. अब इसमें हम डाल देंगे सेजवान सॉस, टमाटो केचप और हल्का सा सोया सॉस. सोया सॉस हम डालेंगे 1 टीस्पून. इडलीज डालने से पहले एक बार हम सॉस को चेक कर लेंगे, सॉल्ट, पेपर और चिल्ली. अगर आपको कुछ कम लगता है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी स्टीम करी हुई इडलीज और पूरी सॉस हमने इसके ऊपर अच्छे से कोट करनी है. एक बार सॉस अच्छे से कोट हो जाए, फिर हम उस पर डालेंगे सेसमे सीड्स, जाने की तिल और लास्ट में हमने गार्निश करना है फ्रेश कोरिएंडर के साथ, जाने की धनिया के साथ. एंड इट्स रेडी. इसको आप सर्व कर सकते हैं एज ए स्नैक या आप इसको सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस रेसिपी. अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू नेक्स्ट रेसिपी. बाय बाय.